Hey guys, good afternoon. I am Indian YouTuber Jyotsna Jaiswal और जैसे आप जानते ही हो कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो और मेरा ब्यूटी पार्लर है और मेरा प्ले स्कूल भी है. जो नए आए हैं उनके लिए मैं बता दे रही हूँ ये सब. बाकी के जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर फैमिली है वो सब तो मुझे जानते ही हैं. सब्सक्राइबर फैमिली मेरी बढ़ रही है, वो देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है. तो आज गाइस हम लोग सीखेंगे महाराष्ट्रियन ब्राइड कैसे रेडी करते हैं. पूरी तरह महाराष्ट्रियन ब्राइड रेडी करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी. एक्चुअल में क्या है, मेरे स्टूडेंट की एग्ज़ाम चल रही है सारे ब्यूटिशियन कोर्स की, तो उन लोग मुझे एक एक चीज़ मैंने जो आज तक उनको सिखाया है हेयर स्टाइल मेकअप सारी वो मुझे कर कर के बता रहे हैं. तो उसी में आज मैंने एक थीम रखा है कि महाराष्ट्रियन ब्राइड. तो एक स्टूडेंट आपको महाराष्ट्रियन ब्राइड कैसे रेडी करते हैं वो दिखाएगी और उसका मतलब उस तरह से उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा. वो आपको दिखा भी देगी, मुझे भी दिखा देगी और उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा. तो देखते हैं उसको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिलते हैं. वैसे मैंने उसे सारे आइडियाज़ पहले ही दे दी थी कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, महाराष्ट्रियन ब्राइड को क्या क्या लगता है क्या नहीं लगता है. तो चलिए आप भी सीखिए. एक्चुअल मैम ये एग्ज़ाम मैं आपको सिखाने के लिए रखी हूँ कि आप भी कुछ सीख जाओगे मेरे स्टूडेंट के थ्रू. ओके, तो हम लोग करेंगे अभी मेकअप. ओके, तो अब मैं ये व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, लिमिटेड ही करूँगी, लेकिन फिर भी मैं आपको मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह और महाराष्ट्रियन ब्राइड कैसे दिखती है वो मैं पूरा आपको बताऊंगी. तो अभी 2 बजे तक क्लास वाले आ जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं. देखते हैं उसको मैंने 1 आवर का टाइम दिया है, 1 घंटे में पूरा मेकअप सारी और हेयर स्टाइल हो जाना चाहिए. देखते हैं वो कितने मिनट में कर पाती है. तो गाइस चलिए मेरे साथ आप भी एंजॉय कीजिए. तो गाइस ये है मेरी मॉडल जो महाराष्ट्रियन ब्राइड बनने वाली है. हाय बोला तुम्हें. हाँ, तो ये है मेरी मॉडल जो महाराष्ट्रियन ब्राइड बनने वाली है और ये है निकिता जो इनको महाराष्ट्रियन ब्राइड बनाने वाली है. ओके, तो ये बिफोर उनका लुक देख लीजिए और मेकअप होने के बाद उनका लुक देख लीजिएगा. ठीक है, तो अब हम एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं और इनको मैंने 1 आवर का टाइम दिया है. 1 आवर में सारी मेकअप और हेयर स्टाइल तीनों हो जानी चाहिए. ओके, तो गाइस अब मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. तो सबसे पहले साड़ी पहनाएंगे उनको, नवारी साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी. हाँ, साड़ी पहनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ उनका लुक. नवारी साड़ी कैसे पहनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, नेक्स्ट टाइम कभी छोटे बच्चे लोग का करूँगी तभी मैं करूँगी. और गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, हम ले रहे हैं महाराष्ट्रियन ब्राइड विथ मेकअप हेयर स्टाइल एंड साड़ी. तो गाइज इन्होंने ये सब मेकअप का सामान लाया है. निकिता बोलो क्या क्या है. ये आई शेड है और ये फाउंडेशन, पूरे फाउंडेशन के शेड है. ये ब्रश है और ब्रश है, ब्रोशर है और ये हाइलाइटर, हाइलाइटर है, लिपस्टिक है, ऑर्नामेंट्स है, लिप लाइनर है और ये फाउंडेशन है. क्या है, फाउंडेशन है. ये स्प्रे है, हेयर स्प्रे, गजरा लेके आए हैं. महाराष्ट्र दुल्हन को गजरा ज़रूरी है. इन्होंने ये छोटी सी नथ भी लाई है जो मैंने मंगवाई थी कि नथ ज़रूरी है महाराष्ट्र ब्राइड के लिए. और थोड़े बहुत ऑर्नामेंट्स है, आई लाइनर है. ओके गाइस, तो इतना जितना लिमिटेड सामान में हम ब्राइड को तैयार कर सकते हैं वो सारा सामान इतना इनफ है पूरा अच्छे से. ये देखिए ये है प्रोफेशनल मेकअप किट, ऐसा ना ऊपर किट के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है तो वो देख लेने का. ओके, तो आई शेडो मेकअप किट वगैरह सब कुछ है. इतना मेकअप में हम कितना मेकअप करेंगे वो देख लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छी टाइम बाद जरा
तो गाइस ये है ब्राह्मणी स्टाइल नौवारी साड़ी। तो गाइस ये नौवारी साड़ी पहना के रेडी हो गए हैं, अब मेकअप स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ सैडला फिरा, अच्छा तो गाइस ये है पूरी नौवारी साड़ी। सबसे पहले क्लींजिंग मिल से फेस क्लीन किया जा रहा है। गाइस निकिता मेकअप स्टार्ट कर रही है, तो उसके लिए उसने सबसे पहले क्लींजिंग मिल से फेस को क्लीन किया है। अब बर्फ का मसाज करेंगे। मेकअप करने के लिए हमने पहले उनको साड़ी पहना दिया है, और साड़ी पहनने के बाद हम अब मेकअप करेंगे, और मेकअप करने के बाद लास्ट में हेयर स्टाइल करेंगे। तो मेरी महाराष्ट्र ब्राइड रेडी हो रही है। निकिता अभी क्या कर रहे हो आप? अभी आई मेकअप करेंगे पहला, और उसको पहले फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। ओके, तो आई मेकअप कर रही है निकिता, स्टार्ट। एक आंख पे पूरा फाउंडेशन से पूरा कवर कर दिया है, दूसरी आंख प्लेन है, तब उसको भी कवर कर देंगे। ये आई शेडो है। ओके, आई शेडो पैलेट से आई शेडो यूज कर रही है निकिता। मेकअप के स्पंज से फाउंडेशन, हाँ मेकअप स्पंज की मदद से फाउंडेशन यूज किया जा रहा है। बोले करती हूँ, बंद कर दो। ठीला है गाइस। ये पैलेट में क्या है, पैलेट का ये फ़ायदा हो जाता है कि सारे शेड हमें मिल जाते हैं, और आप क्लाइंट के स्किन टोन के हिसाब से शेड यूज़ कर सकते हो। एक शेड लाइटर यूज़ करना है आपको ऑलवेज।
कपड़ा कवर करने के लिए। तो गाइस इन्होंने डार्क स्पॉट करेक्टर लिया है और ये पूरे जो इनके गालों पे खड्डे हैं उनको भर देंगे हम अभी। क्या कर रही हो निकिता? ये पहले पेंसिल से कवर कर रही हूँ, उसके लिप लाइनर से लिप्स को शेप दे रहे हैं। तो गाइस इनका मेकअप कंप्लीट हो गया है, सिर्फ काजल लगाना बाकी है और अब ये हेयर स्टाइल करेंगे। काजल लगा वही तुम्ही लग्नाच्या वेळेला तर एवढे सजले होते का? शादी के टाइम तो गाइस इतनी जल्दी हो जाती है ना कि पूछो मत। गाइस निकिता पहले सब ज्वेलरी पहना देती है क्योंकि उसके बाद हेयर स्टाइल करेगी, क्यों हेयर स्टाइल करने के बाद ज्वेलरी पहना नहीं सकेंगे। गाइस महाराष्ट्रियन ब्राइड हमेशा गजरा या वेनी लगाती है, इसलिए हम लोग ने भी लगा दिया है। बराबर नहीं लगाई। अब आईलाइनर से इधर ऐसी एक ऐसी आड़ी लाइन और नीचे डॉट। सीधा लाइन और नीचे से सीधा लाइन करो नीचे। ऐसे ना
कई महाराष्ट्रीय लोग इस तरह से ये बिंदी लगाते हैं। और ये साइड पे कर्ल्स निकाला है और अब ये नथ पहन रहे हैं। नथ करा। या फाइनल तो हमारी महाराष्ट्रन ब्राइड रेडी हो गई है। वही निकड़े पका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से कीजिएगा। वही नहीं, आपको कैसा लगा? खूब अच्छा निकिता, अच्छे से किया। अच्छे से किया। थोड़ा सा मुझे बताना पड़ा बिंदी वगैरह के बारे में। बाजूबंद भी पिना दिया है और ब्राइड अच्छी लग रही। हाँ, मैंने थोड़ा सा गोल फिरा।